is to be close to you, but I don't know how and what to do. I'm so shy when it comes to you, but I guess you're curious, huh? So let me show you what I can do, 'cause I don't mind taking my time. Hey guys, welcome back to Mommy and Flurry Tale, and this is a much awaited video which I'm shooting today, and I'm super happy क्योंकि आज हम shoot कर रहे हैं हमारे babies के पूजा shopping haul, जिसके लिए आप में से बहुत सारे लोगों ने request किया था, तो वो हम finally आज shoot कर रहे हैं क्योंकि आज बारिश नहीं हो रहा है. जो भी dress हम आज के haul में include कर रहे हैं, सारे dresses we purchased from amazon.in. इसके सारे products के links description box में या तो मेरे video के जो first pinned comment होगा उसमें मैं दे दूंगी, आप लोग देख लेना अगर आपको ख़रीदना है तो. और जैसे मैं एक एक ड्रेस दिखाऊंगी उसके साइजेस एंड प्राइजेस दोनों ही मैं मेंशन कर दूंगी, एंड ब्रांड्स नेम भी स्क्रीन पे आई विल मेंशन. सो एंजॉय कीजिए ये हॉल, और हम लोग और ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी हॉल स्टार्ट करते हैं. Wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push. Hello everyone, so this is the first frock or the dress in today's haul. This is from the brand called Y Wow, and it's the material is in polyester. This is of size XL, and we purchased it from Amazon. It costed us around 673 rupees, and 99 rupees is the delivery charge. Just one point to note is that it takes around 2 to 3 weeks for you to get it delivered. So if you are planning for any specific occasion for your baby, please plan ahead. This fits nicely to her and she feels very comfortable with it. So this is the same frock that Kiara is wearing. This is of size M. This fits really perfectly for her. So once she grows, I don't think it's gonna fit her. But for now, this is really good for her. So watch your feelings, the city's screaming when I'm coming home tonight. So the second dress in today's haul is this pink jumpsuit, white and pink. White ke upar multicolor fruits printed hai, which looks really pretty. And this one is from the brand Pets Empire. और ये prime eligible product था, तो बहुत ही जल्दी delivery हो गया था इसका. And Q के लिए हमने पहले लिया था size M, जिसमें वो fit तो हो रही थी, but that was not very comfortable fitting, I would say. That's the reason we went for size L, उसको exchange करके. ये शायद वो अगले एक दो साल तक पहन भी पाएगी, क्योंकि this dress is little pricey. इसका price था 1150 rupees. Get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappear, they will let you down. और यही सेम ड्रेस फ्लरी के लिए वी हैव परचेस्ड इन साइज XL. और मैं एक चीज और बता दूं, ये प्योर कॉटन और गेंजी का मिक्स है, काफी थिक मटेरियल है, तो विंटर सीजन में भी बहुत अच्छा आई गेस ये काम देगा, क्योंकि हम जब कोलकाता जाते हैं तो बहुत ठंड होती है तब दिसंबर में. सो आई गेस दे विल फील रियली कोजी इन दिस जंपसूट. और जंपसूट खरीदना मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जंपसूट कवर्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ देयर बॉडी. तो अगर आप कहीं ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे देयर इज अ चांस दे माइट गेट डर्टी, तो आप जंपसूट पहना के ले जाओगे तो आपके लिए बाद में काम थोड़ा हल्का हो जाएगा. तो ये आज के इस सीरीज में तीसरा है, थर्ड वन, एंड दिस इज अ फ्लोरल ड्रेस व्हिच इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड बॉम्बी. अगर मैं कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो हम लोग उस दे देंगे वो सब डिटेल्स. एंड दिस इज ऑफ साइज XL, एंड दिस इज दिस कॉस्टेड अस अराउंड 501 रुपीज. और इसका जो मटेरियल है, ये मटेरियल सॉफ्ट कॉटन है, और ये समर के लिए बहुत अच्छा है. सबसे बड़ी बात है इसमें कोई हुक्स नहीं है, हुक्स या बटन्स नहीं है, तो इट विल बी वेरी कंफर्टेबल फॉर देम टू वेयर इट. और जैसे कि आप देख रहे हो कियारा भी यहाँ पे मौजूद है अभी, और इसका जो साइज है ये साइज है M. तो ये है इन दोनों का, ये नाइस टोटल ड्रेस.
एक बात और ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसका साइज जो है वो runs little smaller, इसका मतलब है जो आपके अगर आप एक्सेल लिए हो तो एक्सेल भी आपको शायद थोड़ा टाइट पड़ जाए, जैसे फ्लरी के लिए भी है, और कियारा के लिए भी एम जो हमने लिया था वो थोड़ा सा टाइट हो गया उसके लिए भी। इट रन्स अ लिटिल स्मॉलर, दैट्स ओनली थिंग यू नीड टू वरी अबाउट, बाकी बहुत ही अच्छा है और समर के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। So this is the fourth product in today's haul, and this is from a brand called Dog Coacher, and Dog Coacher has very nice products in their online in the online options from Amazon. We bought it from Amazon. This is purely cotton material. It has a little bit of denim look, but this is purely cotton material and it's very comfortable for flurry. And this runs on size 16. So the way Dog Coacher actually kind of brands its sizes is that it goes by the chest size, so 16 is for flurry. This costed us around 699 rupees from Amazon, and we have previously bought another product from Dog Coacher and it was really good. It was a hoodie and that was very very good for flurry. When we were in Kolkata in the winter season, it was really helpful for flurry. And one more thing is that their delivery is amazingly fast. So we would definitely recommend Dog Coacher. Their products are really good. This one is very comfortable for flight. It's heavy weather, we're heading for tonight. You better take what you can, cause the time is right now. We only need the two. So this is the fifth one in today's haul. And you could see how pretty my Q is looking in this strawberry printed vest. Basically, it was supposed to come with the vest along with the skirt. Same strawberry printed skirt. But what happened, only the vest came and the skirt didn't come, and it took 3 weeks to reach, so we didn't return it. This one I'm not really sure that whether I'll make her wear it during puja or not, but this is very good for regular wear. Winter ke time raat ko jab soti hai tab ye pehenne ke liye bahut hi acha hai, comfortable hai. This is also 100% cotton aur kiara ka size hai size M isme, and size M ka fittings kafi comfortable hai aur iska price hai rupees 338. Hai na, kyun achhi lag rahi hai, kyun bahut pretty lag rahi hai isme. Aur iska sirf strawberry nahi, bahut sare cute prints mil jayega, elephant prints, banana prints, bahut sare prints mein aapko mil jayega, bahut sare color options bhi hai, but iska skirt nahi aaya. So let's see, kyunki liye hum zarur kuch aur khareedenge iske baad. Hai na, kyun kyun happy, is kyun happy? Okay, so we hope you guys enjoyed the haul. These babies are looking super cute in each and every dress. कमेंट करके ज़रूर बताना आपका फेवरेट कौन सा है, और इनमें से एक भी अगर आप पिकअप करते हो तो उसका फोटो मुझे इंस्टा में ज़रूर भेजना. इंस्टा आईडी वीडियो के एकदम शुरुआत में मैंने मेंशन कर दिया है. धीरे धीरे हम लोग एक्चुअली 5000 सब्सक्राइबर्स के करीब पहुंच रहे हैं, और हमारे लिए सब्सक्राइबर्स फैमिली मेम्बर्स ही हैं. आप हमसे अभी से लेके अगले सारे वीडियोज़, जितने भी वीडियोज़ आते हैं जब तक कि हम 5000 फैमिली मेम्बर्स तक रीच नहीं करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में, हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जाके हमसे सवाल पूछ सकते हैं विद एन हैशटैग सेइंग दैट MNFTQNA मॉमी एंड फ्लरी टेल क्वेश्चन एंड आंसर Q&A. राइट, जो भी सवाल आप चाहते हैं कि हम हमारे Q&A वीडियो में आंसर करें, उसके आगे या पीछे ये हैशटैग जोड़ दीजिए तो हमें समझ में आ जाएगा. करेक्ट, हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, जितने जितना भी हो सके हम उसको जवाब देंगे, और ऑब्वियसली सच्चाई से ही देंगे. हमको भी थोड़ा आप हेल्प कीजिए ताकि हम जल्दी से 5000 तक पहुंच सके, जल्दी से आपके सवालों का जवाब दे सकें. तो कीप वॉचिंग, और इसी बात को मैं एक बार बंगाली में भी बोल देता हूँ, क्योंकि जो बंगाली व्यूअर्स हैं अगर वो भी क्वेश्चन करना चाहें तो उनका भी हम रिस्पॉन्स देंगे. तो बंगाली व्यूअर्स के लिए भी मैं बोल देता हूँ कि আমরা সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি যে আমাদের প্রত্যেকটা ভিডিওর কমেন্ট সেকশনে এসে আপনারা এখন হ্যাশট্যাগ দিয়ে এটা লিখতে পারেন, হ্যাশট্যাগ MNFTQNA, এবং সেখানে আপনাদের প্রশ্নগুলো লিখে দিন. আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাদের প্রশ্নের একদম সঠিক সঠিক এবং একদম সততার সঙ্গে, আর যত বেশি কোয়েশ্চেন আছে তত বেশি কোয়েশ্চেন করতে পারেন. দ্য সেম থিং উই উইল সে অলসো ইন ইংলিশ ফর অল আওয়ার ভিউয়ার্স হু আর ইংলিশ স্পিকিং, বিকজ দিজ আর দ্য অনলি থিং ল্যাঙ্গুয়েজেস উই নো. সো
from now onwards, in all our videos, in the comment section, you can give a hashtag MNFTQ&A and ask your questions. Keep your questions coming, as many as possible. Keep it simple, fun and entertaining, so that the answers also become entertaining for you. Keep watching, keep loving, keep spreading the word for Mommy and Flurry Tale. And be awesome! Awesome! Bye! Bye.